तो हे गेमर्स, कैसे हो आप लोग? होप से सब बड़े होगा। सो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई अगर आपका यहाँ पर टीडीएम में 1v1 जब भी आप करते हो, अगर आपके साथ भी भाई यहाँ पे प्लेयर ग्लिच करते हैं, मतलब आपका जो प्लेयर है वो यहाँ पे स्लो चलने लगता है, अगर ये वाला ग्लिच होता है तो भाई आप उसे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। दो ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनकी मदद से भाई आपके साथ तो पहली चीज ये वाला ग्लिच होगा ही नहीं अगर आप ये वाली वीडियो को लास्ट तक देखते हो, एंड अगर आपके साथ हो भी जाता है तो भाई उसको भी कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आज की इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को जरूर से वॉच करना, एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक, साथ में अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, पहली चीज की ये वाला जो ग्लिच है वो क्यों होता है, देखो भाई ये यहाँ पर पबजी मोबाइल एंड बीजीएमआई में एक बड़ा बग है कि जब भी आप 1v1 खेलते हो तो आपके साथ ये वाला ग्लिच हो जाता है, आप ना चाहते हुए भी भाई ये वाला ग्लिच हो जाता है। अब देखो, पहली टिप ये है कि भाई जब भी आप यहाँ पर 1v1 खेल रहे हो तो आपको अपने अपोनेंट की गन नहीं उठानी है, लाइक आप उसे मारते हो एंड वो यहाँ पर किल हो जाता है, उसकी जो यहाँ पर गन जो पड़ी रहती है उसको आपको बिल्कुल भी पिक नहीं करना है। आप अगर उसे पिक करते हो तो 2-4 बार अगर आप उसे पिक करोगे तो भाई आपका जो यहाँ पर प्लेयर है वो यहाँ पर ग्लिच कर जाएगा, तो मतलब कि आपको यहाँ पर गन को उठाना ही नहीं है, अपनी ही गन को यहाँ पर चलाना है, ठीक है। एंड उसके बाद अब अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आपके साथ यहाँ पे प्लेयर ग्लिच नहीं होगा, एंड अगर हो भी जाता है भाई चांस आपने ध्यान नहीं दिया एंड आपके साथ भाई ये वाला जो ग्लिच है प्लेयर स्लो वाला वो अगर हो भी जाता है तो भाई अब उसे आप कैसे सॉल्व करोगे? सो गाइस, आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, अपना जो यहाँ पे नेट है उसको ऑफ कर देना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन में जाना है एंड आपको यहाँ पर आप जो भी रूम खेल लो उससे यहाँ पे एग्जिट मार देना। भाई पहली चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो यहाँ पे नेट है वो भाई ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पे एग्जिट मारोगे जस्ट इन 1-2 सेकंड्स में आप यहाँ पे लॉबी में आ जाओगे, आपको नेट ऑन कर देना है, फिर आपको देखो यहाँ पर इंटर मैच अगेन का ऑप्शन आ जाएगा। एंड हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप एग्जिट मैच कर रहे हो तो भाई आपका नेट ऑफ होना चाहिए, अगर आपका नेट ऑन है तो भाई आपके में यहाँ पे इंटर मैच अगेन का ऑप्शन नहीं आएगा। एंड जैसे ही आपके यहाँ पे सामने इंटर मैच अगेन का ऑप्शन आता है तो आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है एंड फिर आप आ जाओगे यहाँ पर फिर से अपने वही वाले रूम में। आप देख सकते हो मैं भी वही सेम रूम में आ गया हूँ एंड अभी मेरे साथ जो यहाँ पर जो प्लेयर स्लो वाला जो ग्लिच था वो यहाँ पर सॉल्व हो गया है। सो गाइस, यही थी आज की छोटी सी वीडियो, होप सो यार आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ में अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, मैं मिलूंगा आपको किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।